तो मेरा पोता ही नहीं है। हालांकि इनाम की बिल्कुल तस्वीर है, वही शक्ल सूरत, वही कद काठ। इनाम कितनी मोहब्बत करता था मुझसे, कितने एहतराम से बात करता था। हारून का ये रवैया बहुत तकलीफ देता है मुझे। माम आप परेशान ना हो, आप देखिएगा अल्लाह पाक उसका दिल बदल देंगे, वो समझ जाएगा सब। अच्छा बेटा, तुम उसके लिए चाय ले जाओ और खाने के लिए भी कुछ ले जाना, शायद उसे भूख लगी हो। लेके जाती, आप रोए नहीं, सही पूछ रहा। खाने के लिए जरूर ले जाना। जी माँ। निमरा, क्या बात है, इतनी चुप चुप क्यों हो? डॉक्टर ने कहा है कि दादो पहले से बहुत बेहतर है, फिक्र की कोई बात नहीं है। अल्लाह का शुक्र, दादो की कंडीशन बेहतर हुई है। तो अब क्या परेशानी है फिर तुम्हें? नीला, तुम्हें तो पता होगा दादो ने मेरी रिश्ते की बात की है। अरे हाँ, दादो की फिक्र में तो मैं भूल ही गई थी, इसीलिए खफा हो ना तुम मुझसे कि मैं तुम्हें मिल के मुबारक नहीं दी। बहुत बहुत मुबारक हो। पागल, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है। दादो कह रही थी कि शादी के बाद पढ़ लेना, लेकिन ये तो मैं भी जानती हूँ कि शादी से पहले सब वादे करते हैं और शादी के बाद सब भूल जाते हैं। हाँ ये तो बात है, लेकिन अम्मी कह रही थी कि दादो चाहती हैं कि उनकी जिंदगी में तुम्हारा घर बस जाए, और वो अपनी तबीयत को लेके बहुत फिक्रमंद है, और तुम्हारे सिलसिले में वो किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकती। अगर मुझे पता होता कि मेरा ख्वाब पूरा नहीं होगा तो मैं देखती ही ना। खुदा से अच्छे की उम्मीद रखो निमरा, सब अच्छा होगा। वैसे कैसा है वो? पता नहीं, मैंने नहीं देखा। एक्सक्यूज मी, सरवत बेगम के साथ आप लोग हैं? ये बाहर से कुछ मेडिसिन लानी होंगी, हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं ले आती। अनिला, मैं ये मेडिसिन लेकर आती हूँ, आप दादो के साथ जाकर बैठ जाओ। हाँ हाँ, बेफिक्र होके जाओ, मैं दादो के पास ही। निम्रा मुझे कुछ होश दिखाई नहीं दे रही, कहीं दादी इसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रही? अरे हमारे होते हुए आपको झुकने की क्या जरूरत? आए क्या अदा है तुम्हें? तो फिर क्या सोचा है निमरा के बारे में? निमरा के बारे में जो भी फैसला किया है अम्मा ने किया है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? फिर सोच लें आप,
ये घर, दुकानें, सारी जायदाद किसी गैर के हाथ चली जाएगी। अरे बाबा, इस बात का फिक्र तो मुझे भी है। नहीं, आप फिक्र ही करते रहेंगे, कोई हल भी तो निकाले इस बात का। दो नंबर काम में रिस्क बहुत होता है, अगर बिगड़ जाए तो जो सजा होती है वो तो होती ही है, लेकिन पूरी बरादरी भी थू थू करती है और सारी जिंदगी नस्ल दर नस्ल चलता है। तो बस ठीक है फिर, आप ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। पर ये सोच लीजिएगा, गरीब की कोई इज्जत नहीं होती। अम्मा से बात करते हैं, उनको उनको समझाता हूँ कि निम्रा की शादी के मामले में इतनी जल्दबाजी ना दिखाएं, उसकी तालीम मुकम्मल होने दें। तुम्हारी अम्मा जान मान ही ना ले। अरे वो तो इतनी ढीठ है, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन वो टस से मस नहीं होती। अरे बात करने में क्या हर्ज है, तुम भी मेरी मदद करो ना इसमें। एक तो ये बैठे बिठाए एक नई मुसीबत, सारी परेशानियां हमारे बल्ले आई हुई है। चले बात करें अब अम्मा जी से। चलो अम्मा से बात करके देखते हैं। चले अरे अगर आप बुरा ना माने तो ये नाचीज आपकी कुछ मदद कर सकता है। हटो यहाँ से, मैं तुम जैसे लोगों से बिल्कुल बात नहीं करती। लेकिन क्यों, हम जैसे लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा? अच्छा सुनो, अरे नाम तो बताती जाओ। दादी दादी दादी, बीमार तू हुई है, फल मुझे लेना पड़ रहा है। फल वाले भाई डाल लेना यार उसमें। दादा फिक्र ना करें, मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे आओ आओ, कैसी हो? ये तो आप बताएंगे क्योंकि हम आपका हालचाल पूछने आए हैं। तुम्हारी मां कैसी है? मैं ठीक हूँ। अम्मा जी, ये बच्ची कौन है? अरे यही तो है मेरी निम्रा। मतलब मेरी निम्रा? सदके जाऊं, इधर बैठो मेरे पास। ये तो बहुत प्यारी है अम्मा जी, बिल्कुल चांद जैसी। कितनी खुश नसीब हूं मैं, इसकी रोशनी से तो मेरा पूरा घर जगमगा उठेगा। अम्मा जी कितनी प्यारी है ये। अम्मा जी अब तो मुझसे बिल्कुल नहीं रहा जा रहा अपनी बेटी से मिलके, अब तो मुझे फौरन से पहले शादी की तारीख चाहिए। सदके जाऊं। अम्मा जी आप देखें मेरा ये हाल है, इसको देखकर अगर इसको अजहर देखेगा तो उसका क्या हाल होगा। अब हमें नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए, अब आप बस शादी की तारीख दे ही दे मुझे। लेकिन दादो। अरे भाई वाश्ता, ये तमाम मामलात इतनी जल्दी में थोड़ी तय किए जाते हैं। देखो ना, घर में माशाल्लाह इसके चचा हैं, और फिर वो हबीबा और सादिक से भी तो मिल चुकी हो तुम। सब लोग मिलकर बैठेंगे और मिल बैठ के फिर तारीख तय करेंगे। अम्मा जी ये बोलती नहीं है? बोलती है बोलती है, बदरा शर्मा रही है इस वक्त। अरे मुझसे क्या शर्माना, अजहर की अम्मी हूँ तो तुम्हारी भी अम्मी हूँ जी। अजहर नहीं आया? अजहर बस आता ही होगा, आपके लिए फल लेने गया है। अरे भाई इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अम्मा जी ये तकल्लुफ कैसा, अब मैं खाली हाथ तो नहीं आ सकती थी, और अगर मैं आना भी चाहती तो अजहर मुझे कभी नहीं आने देता, मेरा बड़ा रख रखाव वाला बच्चा है। चिपके जाऊं, कितने प्यारे हाथ हैं, ऐसे यहाँ पे हीरे की अंगूठी पहनेगी मेरी बेटी, कितनी अच्छी लगेगी। मुझे लगता है अजहर आ गया। आ जाओ बेटा अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम।
आओ बेटा आओ। पहचानो कौन है ये, बुझो तो जाने। निम्रा बेटा, ये अजहर है, वाश्ता के बेटे। कैसी हैं आप? लगता है इनको मेरा यहाँ पे आना कुछ पसंद नहीं आया, या शायद मैं ही पसंद नहीं आया। नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। असल में वो शर्माती है और बोलती भी कम है, बहुत प्यारी है। सबके जाओ। हारून बेटा, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। आपकी हर गैर जरूरी बात बहुत जरूरी हुआ करती है। खैर बोले। नौरीन के लिए एक रिश्ता आया है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। पैसा तो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन शरीफ लोग हैं। गरीब लोग अक्सर शराफत की दौलत से ही मालामाल हुआ करते हैं। बुला लूं उन लोग। अब मेरा जवाब अच्छी तरह जानती हैं, फिर बार बार बात को दोहरा क्यों रही हैं? बेटा अपनी बेटियों को ब्याहना भी तो है। कम हैसियत का मामूली शख्स इस नियत से मेरे घर नहीं आ सकता। पुप्पो अगर किसी और शहर में शिफ्ट हो जाए, अपना घर ले ले, तो फिर चाहे काले चोर से ब्याह दे मेरी भला से, लेकिन मेरे घर में मेरी हैसियत के मुताबिक ही लोग आ सकते हैं। नौरीन आप ही सुने तो। अब हारून भाई को कौन समझाए कि हम जैसी मामूली लड़कियों के लिए उनके स्टेटस के मुताबिक के रिश्ते तो नहीं आ सकते। हम बेसहारा लड़कियों को कोई कबूल ही कर ले वही बड़ी बात है। अम्मा ये सब कैसे होगा? मेरी इतनी हैसियत नहीं मैं कोई घर किराए पे ले सकूं, मैं बेबस हूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं अम्मा? ऐसे मेरी बच्चियों को कौन भी आएगा अम्मा? कैसे होगी उनकी शादी? हौसला रखो बेटा, अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद रखना चाहिए। बात करूंगी मैं हारून से। इंसानों को वो दौलत के तराजू में ना तोले। इंसानियत सबसे बड़ी खूबी है। फिक्र मत करो बेटा, बात करूंगी। अब ऐसे क्यों बैठा है? शर्मिंदगी का नाटक ना कर मेरे सामने। दिल तो जाना कोई भारी चीज उठाऊं और तेरे सर में मार के तेरा सर तोड़ दूं। नहीं सर, तू तो मेरा भी यही दिल कर रहा है। किसी भारी सी चीज में ना जाके अपना सर खुद ही मार दूं। तूने उसका गुस्सा देखा? बजाय शर्माने के मुझे किस तरह नफरत भरी निगाहों से देख रही थी वो, और फिर कमरे से भी चली गई। सारे किए कराए पर मेरे पानी फेर गया तूने। किस्मत फूट गई मेरी निकम्मी औलाद। क्या जरूरत थी भरे बाजार में उसे छेड़ने की, बता? मां मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि वो लड़की वही निकल आएगी। मां अगर
मगर उसने रिश्ते से इनकार कर दिया तो जूतियां मार मार के ना तेरा सर गंजा कर दूंगी मैं। बार बार ये बात करके ना मुझे गुस्सा मत दिला। मत फिर बताना क्या करेंगे अब। तू उससे मिल, मोहब्बत का यकीन दिला, यही तेरे लिए अब बेहतर, और ये करना तेरे लिए बहुत जरूरी। मैं तरकीब लड़ाती हूँ, मैं आगे क्या करना है, तूने तो जो करना था कर लिया। मत तो फिक्र ना कर, अगर निम्रा को मनाने के लिए मुझे अपनी नाक भी जमीन से रगड़नी पड़ी ना माइकल, तो फिक्र ना कर, मैं सोचता हूँ कुछ। ये लें चाय। रखो। मैं कह रही थी कि आप चाय पी लें तो फिर हॉस्पिटल चलते हैं। अरे तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, आओ यहाँ आके बैठो। आओ बेटा आ जाओ। कुछ कहना है बेटा? चाची एक जरूरी बात करनी है, एक सिफारिश करवानी है। बोलो बेटा क्या सिफारिश करनी है बताओ। जमशेद मैंने तो निम्रा को देखते ही उसके दिल की बात जान ली है, अम्मा जबरदस्ती कर रही है इसके साथ, ये शादी नहीं करना चाहती अभी। नहीं नहीं दादू ने कोई जबरदस्ती नहीं की है, उनसे बढ़कर मेरा हमदर्द कौन हो सकता है। मैं बस शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, आजकल के तकाजों को अम्मा जान को कहाँ पता। अब ये थोड़ी के दो चार जमातें पढ़ा दो और लड़की को रुखसत कर दो, भाई जितनी पढ़ाई लड़कों के लिए जरूरी है उतनी ही लड़कियों के लिए भी है। बेटा तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम शादी नहीं करना चाहती हो ठीक है, मैं बात करूंगा अम्मा से। बात क्या करूंगा, अभी चलें आप मेरे साथ हॉस्पिटल, चल के बात करें, अब तो माशाल्लाह अम्मा जी खतरे से बाहर हैं, बात करने में क्या अर्ज है। नहीं मगर कोई इतनी इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, अम्मा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर आ जाने दो फिर आराम से बात कर लेंगे। लेकिन तुम इस बात की फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला नहीं होगा। थैंक यू चाचा जान। अरे थैंक यू की क्या बात है मेरे बच्चे, मैं हमेशा वही फैसला करूंगा जिसमें तुम्हारा मफाद। और बेटा तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम दोनों हैं ना तुम्हारे साथ। हाँ हाय जमशेद, ये मसला कितनी आसानी से हल हो गया। उसने अपने मुंह से कह दिया है कि वो शादी नहीं करना चाहती। सच, मेरी तो रातों की नींद उड़ी हुई थी, भूख उड़ी हुई थी, मैं इतनी परेशान थी। आप जल्दी सब चलें हॉस्पिटल, अम्मा जान क्या कहेंगी, उनका बेटा उनको देखने के लिए नहीं आया। अरे इस वक्त अम्मा जी को राजी रखना ना बहुत जरूरी है। आप बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल जल्दी से चाय खत्म करें तो बस फिर चलते हैं। मैं भी जरा किचन देख लूं। देख लो देख लो। मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है, तुम लोगों को पता है बिल्की साहबा की बेटी की शादी है, बहुत इसरार कर रही थी कि सब ने जरूर आना है, उसे तो इनकार ही नहीं हुआ, लेकिन अब सब नहीं जाएंगे। ऐसा करते हैं नौरीन, बस मैं और तुम चले जाएं। मैं कहीं नहीं जा रही, आप फरीन को ले जाइएगा। ऐसे नहीं कहते बेटा, लोगों से मेल मिलाप जरूरी होता है, हम आए जाएंगे लोगों से मिलेंगे, ऐसे ही तो रिश्ते नाते तय होते हैं। किसी खुशफहमी में मत रहें आप, और वहां बिल्किस आंटी के यहाँ कौन से रईस मिलियनेयर और सेठ लोग आएंगे जिनसे रिश्ता जोड़ने पर आपके भतीजे को कोई एतराज नहीं होगा। अम्मी लगता है आप ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं। मैं बहुत खौफ ज्यादा हूँ, हारून भाई के इस बड़े से घर में मेरा दम घुटता है और मुझे यही खौफ खाया जाता है
मेरी सारी उम्र इन ऊंची दीवारों के बीच बेकैफ गुजर जाएगी। अम्मी मुझे यहां से ले जाएं, वरना किसी रोज ये ऊंची दीवारें मेरे ऊपर आ गिरेंगी। तुम्हारी माँ बहुत मजबूत है, लेकिन हम मजबूर भी हैं। हमारे पास कोई और सहारा नहीं, कोई जगह नहीं जहां जा सके। तुम्हारा भाई नौमी, वो भी बहुत छोटा है, उसे टाइम चाहिए ना स्टेब्लिश होने के लिए, बड़े होने के लिए। अल्लाह की जात से ना उम्मीद नहीं होती। अरे अम्मी, अब आप भी परेशान हो रही हैं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। हारून भाई ने हमें इस घर में हमदर्दी में नहीं बल्कि अपनी नफरत में रखा हुआ है। हमें मजबूर बेबस देखकर उन्हें खुशी होती है। कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेने से खतरा नहीं टल जाता। अम्मी चुप कर जाएं, और आप मुझे एक बात बताएं, आपको नानी की मोहब्बत पे कोई शक है? वो बेचारी इस उम्र में भी हमारे लिए इतना परेशान रहती है, दुआएं करते हुए थकती नहीं है, और अगर अब इसको इस हालत में देखेंगे तो वो कितनी परेशान होंगी। बस कर जाएं आप दोनों। अरे फरीन ठीक कह रही है बेटे, अम्मा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, वो बहुत दुआएं करती हैं तुम्हारे लिए। तुम अल्लाह पर यकीन करो, तुम देखना मेरी जान, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम ऐसे दिल छोटा ना करो, मेरा प्यारा बच्चा। साशा, सारा दिन तुम कहाँ गायब थी? मेरा फोन भी अटेंड नहीं किया। अरे मम्मा, आपकी काम से गई हुई थी। कुछ पता चला? बिल्कुल, सब मालूमात लेकर आई हूँ। बहुत मोटी असामी है। इसी शहर में? बिल्कुल, इसी शहर में है। और आप जानती हैं, इतना बड़ा बिजनेस, यंग एंड स्मार्ट, और लाखों लड़कियों के दिल पर राज करता है, लेकिन आज तक उसे शादी नहीं की। I like it. इसका मतलब है कि उससे जल्द मुलाकात करना बहुत जरूरी है। साशा, मैं जो ये ड्रामा करने जा रही हूँ ना, उसका मेन करेक्टर तुम। अरे माय स्वीट मॉम, इसके लिए कैसे मना कर सकती हूँ मैं आपको? तुम ऐसा करो, किसी अच्छे से पार्लर में चक्कर लगाओ, बहुत ज्यादा खूबसूरत लश पश नजर आओ, और वो जो तुम्हारा मोटा सेठ है ना, उसको शीशे में उतार कर मोटी सी रकम हथियाओ, क्योंकि हमें शॉपिंग भी करनी है। अरे मम्मा, आप करना क्या चाहती हैं? अगर आप चाहती हैं कि हारून रब्बानी मुझ पर लट्टू हो जाए, तो मुझे साफ साफ बताएं कब करना है, कैसे करना है, वो सब मैं कर लूंगी। हारून से पहले मुझे मिली, मैं उसे बताऊंगी कि उसकी मरहूमा माँ की इकलौती बहन है। मरहूमा? उसकी तो माँ जिंदा है ना? जिंदा है, जिंदा नहीं रही, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। तो फिर आगे क्या प्लान है आपका? आगे सब वक्त के साथ साथ बताती चली जाऊंगी। अच्छा छोड़, ये देखे, ये ना उसके ऑफिस की लोकेशन है, और कुछ दिन से ऑफिस जा नहीं रहा, मुझे लगता है कि आउट ऑफ सिटी होगा। अच्छा साशा, मैं जा रही हूं माँ पारा के पास हॉस्पिटल, और आने में देर हो जाएगी, खाना मैंने नहीं बनाया। मम्मा, इतने दिन से आप बाहर से खाना ऑर्डर करके खिला रही हैं, आज तो कुछ बना लेती। 3 दिन से मैं बाहर से खाना खा रही हूँ। घर हो ना, बना लो, मैं चलूं, देर हो रही है। ओके बाय। अम्मा, अब आप साथ खैरियत के अपने होम स्वीट होम आ गई हैं। अब आपने अपना बहुत ख्याल रखना है।
आपने अपनी खुराक पे बहुत तवज्जो देनी है, आपने अपने आराम का बहुत ख्याल रखना है। और तुम सुन लो भाई, कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मुझे, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा मेरी माँ का। ये भी भला कोई कहने की बात है, पहले भी मैं अम्मा जी का बहुत ख्याल रखती थी और अब तो और ज्यादा रखूंगी। हाँ अम्मा जी, आपके लिए जूस बनाऊं, लेकर आऊं ताजा? नहीं नहीं, निमरा है ना मेरे पास, जिस चीज की जरूरत होगी मैं उसे मंगवा लूंगी। अम्मा जी, जब आप अस्पताल में थी ना तो इमन ने आपके लिए बड़ी दुआएं मांगी है, जान नमाज भी चाहकर ना पूरी रात नफल पढ़ती रही है आपके लिए, ताकि आप साथ खैरियत से घर वापस आ जाए। अच्छा, वैसे मैंने तो एक नमाज पढ़ते हुए भी नहीं देखा उन्हें। वो तुझे दिखा के नमाज पढ़ेगी, जा जाके होमवर्क कर अपने स्कूल का, बड़ों की बातों में टांग अड़ाना जरूरी है? चल निम्रा, बेटा तुम भी इसे अपने साथ ले जाओ, देखो तो सही ये क्या कर रहा है। अम्मा जी, आप मुझे बता देंगी डॉक्टर ने आपको परहेजी खाना अगर बताया तो मैं वो बना देती हूँ आपकी? पूछने वाली बातें होती हैं। परहेजी खाना तुमने बनाना है, पूछ क्यों रही हो कि कोई परहेज बताया? उठो, कोई कीमा मंगवाओ, उस काली मिर्चों में कीमा बनाओ अम्मा के लिए, वो जूस बना के लाओ, फ्रूट लेके आता हूँ अभी, पैसे लेके अम्मा से। ये सब चीजों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा ना। तुमने तो दादी का कमरा हाथ आने की पूरी प्लानिंग करनी थी, बताऊं दादी को? पसी के बच्चे, अगर तुमने ऐसी कोई भी बात की मैं तो तुम्हें एक हाथ लगाऊंगी, लेकिन अम्मी जो तुम्हारी चित्रोल करेंगी ना। सो एक तो इस घर में सच बोलने की इजाजत ही नहीं है किसी को। निम्रा बाजी, आपने कुछ सुना तो नहीं ना? मैं क्या मतलब? कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे कभी कभी बकवास कर देता है, थे ना वैसी? आ चले। अरे छोड़ो ना, क्या हो? चलो। चाचा और चाची ने वादा किया है वो दादी को समझाएंगे, अल्लाह करे दादी मान जाए। मैं एक ऐसे मर्द को कैसे इज्जत दूंगी जो औरत को गलत नजर से देखता है, इज्जत देने का कायल नहीं है, मैं से सर का ताज कैसे बना पाऊंगी? हारून की नफरत कौन सी नहीं है, हारून के दिल में तो ये नफरत उसकी माँ जाते जाते डाल कर गई है, जाने अनजाने में अपने बच्चे के साथ ही दुश्मनी कर दी उसने, भरे जहान में अकेला कर दिया हारून को। आप और नानी तो कहती हैं कि जब हारून भाई की अम्मी इस घर से तलाक लेके गई थी तो हारून भाई बहुत छोटे थे, अम्मी बच्चों को ये बातें कहाँ याद रहती हैं? बेटा, ये जो बचपन की बातें होती हैं ना, अगर ये बार बार दोहराई जाती रहे ना तो किसी मेघ की तरह कट जाती है दिमाग में। मेरे हारून के साथ भी यही हुआ, उसकी माँ जाते जाते जो कुछ उसके दिल में डाल गई ना, हमेशा उसकी रोशनी में अम्मा को मुझे अपना दुश्मन समझता रहा। और आज भी वो उसी में कायम है। अम्मा ने बहुत कोशिश की, भाईजान वरुण जब तक जिंदा रहे हमेशा कोशिश करते रहे हारून के दिमाग से ये सब बातें मिटा दें। तुम्हें पता है एक बच्चे के दिमाग में माँ ने रुखसत होते हुए जो जो बातें डाल दी हो ना, उसे भुलाना शायद वाकई बहुत मुश्किल होता है। पर उन्होंने ऐसा किया क्यों?
क्यों किया? कैसी थी वो? तने कभी भी नहीं चाहा कि मैं तुम बच्चों को माजी की कोई भी बात बताऊं, लेकिन अब जो हालात है ना, तुम लोगों को बताए बगैर गुजारा भी नहीं है। मेरे भाईजान, भाईजान नाम इंतहाई नफीस, पढ़े लिखे, समझदार इंसान थे, बहुत बड़ा बिजनेस था, पैसों की रेल पेल थी, बहुत सीधे साधे थे वो। बस फरमा पा रहा हूं तो किसी और ही दुनिया की औरत थी। भाईजान का सीधापन और उसके बाद खुशहाली देखते ही उसने भाईजान से मोहब्बत का दावा कर दिया, दावेदार बन गई वो। और भाईजान भी उसकी बातों में, अब जबकि अम्मा ने साफ ऐलान कर दिया था कि वो ऐसे कच्चे किरदार की औरत को कभी भी इस घर की बहू नहीं बनने देंगी, फिर भाई की मोहब्बत के आगे मजबूर हो गई। अपारा इस घर में आई, खानदान का हिस्सा बनी, लेकिन इस खानदान के तौर तरीके वो कभी भी नहीं अपना सकी, हत्ता कि भाईजान को अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर वही घरेलू चक्कलिश, रोज रोज के झगड़े, ऐसी बेबरकती हुई कि सब कुछ खत्म हो गया। पैसा, कारोबार, शानो शौकत, वो तो थी ही पैसे की रसिया। जैसे ये सब खत्म होने लगा, तुम्हें पता है उसने बेचारे भाईजान से तलाक का मुतालबा कर दिया। उफ, ये कैसी औरत थी? क्या करते बेचारे भाईजान, राजी हो गए तलाक देने में, लेकिन भाईजान ने भी शर्त रखी कि ठीक है वो दे देंगे तलाक, लेकिन शर्त यह है कि हारून उनके साथ नहीं जाएगा, हारून यही रहेगा हमारे साथ। वजह से यही चाहती थी, झटका की मान गई वो, लेकिन जाते जाते वो हारून को ऐसी पट्टी पढ़ाकर भी हमारे साथ होते हुए भी हमारा नहीं रहा बच्चा। अब कहाँ है वो, कुछ पता है आपको? पता नहीं, भाईजान से तलाक के कुछ अरसे बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी, फिर कुछ नहीं पता। अच्छा, उन्होंने बाकी हारून भाई को कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की? कभी भी नहीं। फिर भाईजान का इंतकाल हुआ, तुम्हारे अब्बू गुजर गए, फिर हमने वो शहर छोड़ दी, उसके बाद का कुछ नहीं पता। आई विश हारून भाई की आंखों पे जो ये पर्दा है ना, वो जल्दी हट सके। अच्छा अम्मी, अब आप परेशान नहीं हो? सलामुअलैकुम अम्मा। जी अम्मा, आपने बुलाया, हुक्म कीजिए, क्या बात करनी है? क्या बात करनी है हमारी प्यारी अम्मा जान ने? मैंने तुम दोनों को एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। जी जी अम्मा, बोलिए ना।
निम्रा का रिश्ता पक्का करने के बाद मैंने ये फैसला किया है कि मैं उसकी बहुत जल्दी शादी करूँ।